एक आर्टिस्ट को चाहिए क्या? आर्टिस्ट पैसे नहीं मांग रहा, कुछ नहीं मांग रहा, वो ताली बज जाती है ना 300 लोगों की तो वो दिल खुश हो जाता है। ऐसी राजनीति चाहिए हमें जिसमें आर्टिस्ट भी आ रहे, एक आर्टिस्ट को प्रमोट मिले, एक आर्टिस्ट की इज्जत हो रही है। जब आप देखते हो ना हर तरफ आर्ट दिखती है आपको, हर एक तरीके की आर्ट हो सकती है, स्केच आर्टिस्ट हो सकती है, थिएटर हो सकता है, डांस हो सकता है, म्यूजिक हो सकता है, ड्रामा हो सकता है, बहुत सारी ऐसी चीजें। और जब आप उस माहौल में एंट्रेंस करते हो ना तो वो एक फील है, वो आप नहीं बता सकते, वो बस एक फील है, उसको आप फील कर सकते हो। मैं अपनी 5 साल की बेटी के साथ आई हूँ तो वो ड्रामा उनको आर्ट्स वालों को देख के कह रही थी कि ये क्या कर रहे हैं, क्योंकि बच्चों ने देखा ही नहीं है। तो ये कल्चरल फेस्टिवल उनके लिए काफ़ी अच्छा था, उसको म्यूजिक और वो जो इनैक्ट कर रहे हैं वो देख के वो बहुत फैसिनेट हो रही थी कि ये मास्क पहन रहे हैं, कलरफुल दुपट्टा ले रहे हैं, तो वो बहुत इंटरेस्ट ले रही थी, जो कि आने वाली जनरेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि उनको ये सब देखना चाहिए। एक आर्टिस्ट के लिए बहुत ज़रूरी है कि उसे ऐसा एक प्लेस मिले जहाँ पे वो खुलकर अपनी कलाकारी को दिखा सके। आर्टिस्ट को एक स्टेज मिल रहा है, एक परफॉर्मेंस मिल रही है करने के लिए, वो उसके लिए बहुत बड़ी बात है। इससे मैं एक ही वो कहना चाहूँगा कि ये सारी एक एनवायरनमेंट है जो एक फैमिली की तरह इन्होंने बनाने की कोशिश की है, जो मुझे पर्सनली बहुत पसंद आई। मुझे जेन्युइनली बहुत अच्छा लगता है कि जब मनीष सिसोदिया जी और ये दिल्ली गवर्नमेंट केजरीवाल जी ये जब आर्ट को प्रमोट करते हैं ना ज़्यादा बड़ी बड़ी बातें करके। मैं एक छोटी सी बात दिल्ली गवर्नमेंट को कहना चाहता हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने आर्टिस्ट के लिए सोचा, और जो सोच है उसको बरकरार रखेंगे हम भी, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे और ऐसे ही बढ़ता रहेगा, क्योंकि आर्ट है तो आर्टिस्ट हैं, और आर्टिस्ट है तो ये माहौल है, और ये माहौल है तो हम खुश हैं।